इस वीडियो में हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एनएफए। तो हमें एक एनएफए डिज़ाइन करनी है ओवर अल्फाबेट 01 सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मीन जो जीरो से एंड हो रही हो। तो ज़ीरो से एंड होने वाली क्या होंगी, 0 10 110 100, ये सभी ज़ीरो से एंड हो रही हैं। तो उसके लिए मैं डीएफए आपको ये बता चुकी थी कि ऐसा बनेगा, Q0 पे 1 और 0 दोनों का ट्रांजिशन है, Q1 पे 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन है। जबकि NFA में ऐसा ज़रूरी नहीं है, 0 से एंड करना है तो हम Q0 से 0 का एक ट्रांजिशन देंगे और Q1 पे आ जाएंगे और Q1 को बना देंगे फाइनल, तो 0 एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग। ठीक है, अब बोला है एंड 0 से होनी चाहिए, स्टार्ट तो वो किसी से भी हो सकती है 0 या 1 से, तो हमने Q0 पे सेल्फ लूप दिया है 0 और 1 का। अब देखो Q1 पे हमने कोई ट्रांजिशन शो नहीं किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सारे ट्रांजिशन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब जैसे हमने देखा था कि एंड्स विद जीरो का ट्रांजिशन डायग्राम जो था उसमें क्या हो रहा था, Q0 पे 0 इनपुट देने पे हम 2 स्टेट्स पे मूव हो रहे थे जो कि NFA में पॉसिबल है। सिंगल इनपुट देके आप 2 स्टेट्स में मूव हो सकते हो, तो Q0 और Q1 दोनों में ही ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में Q0 और Q1 को साथ में लिखा है और उनको कॉमा से सेपरेट किया है। Q0 पे 1 देने पे हम Q0 पे मूव हो रहे हैं और Q1 फाइनल स्टेट है, Q1 हमारी फाइनल स्टेट है, इस पर 0 और 1 दोनों का ही ट्रांजिशन नहीं है, इसीलिए हम इसको एम्प्टी भी रख सकते हैं, यहाँ पर नल भी लिख सकते हैं। सपोज करो हमें एक NFA डिज़ाइन करना है जिसमें 0 कंटेन हो एज ए सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो 0 कंटेन हो मतलब 0 बीच में आए, आगे पीछे 0 और 1 कुछ भी आ सकता है। तो इस 0 के लिए हमने ये बना लिया ट्रांजिशन कि Q0 पे 0 इनपुट दिया तो Q1 पे आ गए और Q0 पे 0 और 1 का ट्रांजिशन शो कर दिया, Q1 पे भी 0 और 1 का ट्रांजिशन शो कर दिया। ठीक है, Q1 को फाइनल स्टेट बना दिया। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 इनपुट से आप Q0 भी जा रहे हो और Q1 स्टेट भी जा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या था, 0 इनपुट से आप Q0 स्टेट भी जा रहे थे और Q1 स्टेट भी जा रहे थे। तो ऐसा NFA में पॉसिबल है जबकि DFA में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 1 का लूप दिया था Q0 पे, 0 का लूप नहीं दिया था। ठीक है, तो इस टाइप से ये NFA बनेगा। ये DFA है, ये दोनों DFA हैं जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज हमारा ऐसा है कि आपको एक NFA डिज़ाइन करना है जो स्टार्ट और एंड किससे हो रहा हो, 0 से। ठीक है, स्टार्ट 0 से होना चाहिए और एंड 0 से होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको ये वाला DFA बता चुकी हूँ, ये DFA है। ठीक है, DFA मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो NFA उसके लिए क्या बनेगा। देखो यहाँ पर डेड स्टेट थी, NFA में कभी भी डेड स्टेट का यूज़ नहीं होता है। तो Q0 पे अगर स्टार्ट और एंड 0 से होना चाहिए तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, L इक्वल्स टू 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0, इस टाइप की लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट 0 से होना चाहिए, बीच में कुछ भी आ जाए और एंड 0 से होना चाहिए। उस करो सिंगल 0 आ गया, ठीक है, सिंगल 0 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि सिंगल 0 है मतलब वो स्टार्ट भी 0 से हो रहा है एंड भी 0 से हो रहा है। तो सिंगल 0 के लिए हमने ये ट्रांजिशन शो किया है कि Q0 पे हम 0 देंगे तो हम Q1 स्टेट पे आ जाएंगे और Q1 क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये ट्रांजिशन क्या शो कर रहा है कि 0 भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्योंकि स्टार्ट और एंड 0 से होनी चाहिए और बीच में कुछ भी आ जाए, तो ये Q0 से 0 दिया हमने इनपुट, Q2 पे आ गए और Q2 पे 0 दिया हम, Q1 फाइनल स्टेट पे आ गए और बीच में कुछ भी हो तो इस स्टेट पे हमने क्या ट्रांजिशन दिया है, 0 और 1 का। ठीक है, कि Q2 पे अगर हम 0 या 1 इनपुट दें तो वापस किस पे आ जाएंगे, Q2 स्टेट पर। ये शो कर रहा है कि स्टार्ट 0 से हो रहा है, ये एंड शो पे एंड हो रहा है 0 से, और बीच में चाहे 0 और 1 कुछ भी आ जाए वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और ये वाला पाथ हमने क्यों शो किया है कि 0 अगर आए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ये हमारा NFA है, ये DFA मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ।